तो हाँ भाई करें शुरू। तो भाई दो किडनी का कंपैरिजन फाइनली आ चुका है और इस वीडियो को बनाने में हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि भाई महंगे फोन है, आपका पैसा सही जगह लग जाए, इसलिए हम एनालाइज कर रहे थे दोनों को। अब यहाँ पर पहले क्या था, सैमसंग का प्राइस थोड़ा सा कम होता था लेकिन भाई इसका प्राइस अभी 1,25,000 रुपये है बेस वेरियंट का 12/256 GB का, और iPhone का 6/128 GB बेस वेरिएंट का प्राइस है 1,28,000 रुपये। अब जब ये फोन आया था 1,40,000 का था लेकिन अभी Amazon पर मैंने कल ही चेक करा और 1,28,000 रुपये का अब इसका बेस वेरिएंट मिल रहा है। बाकी मैंने इसे टैग कर दिया YouTube के फीचर में, आप प्रोडक्ट व्यू पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। अब डिफरेंस क्या है, प्राइस में तो नहीं बचा लेकिन रैम में डिफरेंस जरूर बच रहा है। भाई iPhone 14 Pro Max के अंदर LPDDR4X रैम मिलती है और Samsung के अंदर लेटेस्ट रैम है LPDDR5X, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन Apple के लिए ना यहाँ पर ये डिफरेंस नहीं रहता है क्योंकि भाई Apple जब भी आप बैकग्राउंड में कोई ऐप रखते हो तो वो काम ही नहीं करती। सपोज आपने कुछ चीज अपलोडिंग पे लगाई है तो हो सकता है अपलोडिंग पे लगे ही ना, गजब बेइज्जती है। तो भाई एप्पल बैकग्राउंड में थ्रेड रन नहीं कराता, इस वजह से इसके अंदर कम जीबी की रैम भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है और जो बैटरी बैकअप है कम एमएच होने के बाद भी ज्यादा अच्छा मिलता है। इस पर आपके भाई ने वीडियो बनाई है, चेकआउट कर सकते हो डेडिकेटेड। बाकी भाई एप्पल के पास एक एडवांटेज तो आ जाती है कि भाई ये 5 साल की मेजर अपडेट आपको प्रोवाइड कराता है, वहीं पर सैमसंग के अंदर 4 साल की मेजर अपडेट है और 5 साल का सिक्योरिटी पैच मिलता है, तो ये सब डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर भाई डिजाइन की बात करते हैं सबसे पहले, जिसमें दोनों ने कुछ नया नहीं उखाड़ा है। अबे साले आईफोन पिछले 4 साल से सेम डिजाइन दे रहा है अपने फोन, बस कैमरा मॉड्यूल थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ और कैमरा बम बढ़ गया है। वहीं पर जो सैमसंग है भाई लास्ट ईयर इन्होंने सेम डिजाइन दिया था और अब तो बिल्कुल ही डिट्टो है, बस ग्रीन कलर ऐड कर दिया इन्होंने। और S21 Ultra का डिजाइन अलग था लेकिन भाई ये फोन जिससे रिलेट करता है वो फोन आपके भाई के हाथ में है, यह है Note 20 Ultra। और इन दोनों की अगर मैं इन हैंड फील भी देखूं काफी हद तक सिमिलर है और थोड़ा सा बस कैमरा मॉड्यूल चेंज किया गया है। इसके अलावा भाई सैमसंग भी लगभग 3 साल से ही सेम डिजाइन यूज कर रहा है, तो दोनों ही कंपनी को इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, बट अभी भी एप्पल 1 साल एडवांटेज ले जा रहा है कुछ भी। लेकिन बिल्ड एक ऐसे डिपार्टमेंट है जहां दोनों ने इंप्रूवमेंट करी है। लाइक सैमसंग में बैक में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है, फ्रंट में विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है और साइड में आर्मर ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम है। और मेरे को एक बात अच्छी लगती है, लाइक यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम भले ही है लेकिन यहाँ पर जो फिनिशिंग है बहुत सही है। लाइक S9 के अंदर मेरे को लास्ट इसके अंदर ना डिसकलरिंग देखने के लिए मिली थी, उसके बाद ये नोट 20 अल्ट्रा है, S22 अल्ट्रा यूज करा, 23 है, अभी तक ना तो कोई स्क्रैच देखने के लिए मिली है ना ही कलर छुटता हुआ मिलता है, जबकि मैं बिना कवर यूज कर रहा हूँ। और ये वाला फोन तो 2 साल विदाउट कवर यूज हुआ है और स्क्रीन गार्ड भी हमने इस पे यूज नहीं करा, उसके बाद भी यहाँ पर कम स्क्रैच है। वहीं पर आईफोन के साथ दिक्कत ये है, यहाँ पर भाई स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है जो कि ज्यादा प्रीमियम फील होता है एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में, बट भाई इस फोन को लिए कुछ ही महीने हुए हैं और मैं कवर में यूज कर रहा हूं, उसके बाद भी इसके फ्रेम पे एक तो स्क्रैच बहुत ज्यादा विजिबल है क्योंकि ये शाइनी फ्रेम है, स्क्रैच के साथ साथ फिंगरप्रिंट बहुत लगते हैं और यहां से कलर छूटना स्टार्ट हो गया जो कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज है। और इसके साथ ही बैक में कस्टम ग्लास है और फ्रंट में सिरेमिक शील्ड है, तो दोनों के साथ प्रोटेक्शन तो अच्छी मिलती है। लेकिन अब इन हैंड फील की बात करें तो काफी सिंपल है, अगर आपको प्रीमियम इन हैंड फील वाला फोन चाहिए तो अभी भी आईफोन है, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल फोन चाहिए तो S23 अल्ट्रा है। इसके राउंड एजेस की वजह से ना इसकी ग्रिप बहुत अच्छी बनती है तो इस वजह से कंफर्टेबल बन जाता है। बाकी यहाँ पर जो आईफोन है इसका वेट भी ज्यादा है और इसका साइज छोटा होने की वजह से ना इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी भाई थोड़ा कमजोर है सैमसंग कंपैरिजन में। और वहीं पर सैमसंग के पास बिल्ड में एक एडवांटेज है, इसमें एस पेन मिलता है, आप नोट्स बना सकते हो, अगर आपको भूलने की बीमारी है तो इससे फटाफट नोट्स बना सकते हो। मम्मी ने बोला धनिया लेके आने का तो उसे लिख लो, पहले नोट बना लो, भूल गए ना घर पे बहुत मार लगेगी। बात तो सही है। और वहीं पर आईफोन में एलर्ट स्लाइडर दिया है साइड में जो कि काफी यूजफुल चीज है, तो दोनों में अपनी अपनी एडवांटेज है। बट भाई आईफोन का जैसे मैंने बताया कैमरा मॉड्यूल बहुत बड़ा और काफी ज्यादा बम पड़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से ज्यादा वोवल करता है सैमसंग के कंपैरिजन में। अब इतने पैसे दे रहे हैं भाई दोनों फोनों के अंदर, तो ये जानना तो बनता है किसकी पावर ज्यादा अच्छी है। तो सैमसंग के अंदर इस बार मिलता है 8 Gen 2 प्रोसेसर जिसे सैमसंग ने अलग से कस्टमाइज भी करवाया स्नैपड्रैगन से, और एप्पल के अंदर A16 बायोनिक प्रोसेसर है। और सैमसंग ने इस बार ये भी बोला है कि हमने गेमिंग के लिए भी तगड़ा ऑप्टिमाइज कराया प्रोसेसर, तो भैया दोनों को टेस्ट करना तो बनता था। तो सबसे पहले भाई नॉर्मल परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्लैगशिप फोन है तो नॉर्मल परफॉर्मेंस दोनों के अंदर मस्त मिलती है। और इस बार ये भी बताया गया था कि UI की जो एनिमेशन है ना इस फोन के अंदर वो काफी स्मूथ कर दी है, जो फ्रेम एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करी है। तो हमें चुलती, हमने दोनों को भाई साइड बाय साइड रखा और दोनों ऐप ओपन क्लोज करी, नॉर्मल आई से एनिमेशन में आप बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं बता सकते, लेकिन हमें रिव्यूअर तो हमें देखना था कि किसकी एनिमेशन अभी भी बेस्ट है। तो हमने स्लोमो लगाया, दोनों के अंदर ऐप ओपन करके देखी एंड यहां पर अभी भी जो फ्रेम की एनिमेशन है वो स्लाइटली सी एप्पल के पास बेटर है लेकिन वो नॉर्मल आई से नोटिस नहीं होती है। दोनों को जब आप इन नैन चक्षु से देखोगे ना आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो और क्या चाहिए भाई, सैमसंग ने बहुत तगड़ी एनिमेशन में इंप्रूवमेंट करी है। और जो फ्रेम एनिमेशन थोड़ी सी बेटर हुई है ना इसकी वजह से भाई जब आप 120 हर्ट्ज चलाते हो दोनों ही फोनों में साइड बाय साइड, उस टाइम पर आप
आपको नोटिस हो जाएगा कि स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन करते हो आईफोन जो है वो ज्यादा स्मूथ फील होता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के मामले में। तो नॉर्मल परफॉर्मेंस तो दोनों के अंदर अच्छी है, लेकिन भाई इतना पे कर रहे हैं तो अब थोड़ा हैवी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हमने दोनों के अंदर एंटूटू रन कराया, पहले सेम टेम्परेचर पर लाए हम दोनों को, दोनों की पीक ब्राइटनेस करी और बैकग्राउंड एम्प रिमूव करने के बाद जैसे सेम टाइम पर स्टार्ट करा तो ये देखने के लिए मिला पहले जैसे सैमसंग में स्मूथनेस उतनी अच्छी नहीं होती थी, एप्पल हमेशा आगे निकल जाता था और स्मूथनेस भी तगड़ी होती थी। तो इस बार भाई कहीं ना कहीं स्मूथनेस मुझे सैमसंग के पास ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिली। और फर्स्ट टेस्ट के अंदर जो ब्राइटनेस है वो सैमसंग ने स्लाइटली ड्रॉप करी, बट इतनी मेरे को ब्राइटनेस में कोई ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिला। बाकी यहां पर एंड होते होते स्कोर भी दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम टाइम पर आया। पहले क्या होता था, एप्पल बहुत पहले स्कोर ला देता था, सैमसंग काफी टाइम लेता था। और ये एंड टू टू हम रन करा रहे हैं यहां पर स्कोर चेक करने के लिए नहीं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि भाई दोनों के अंदर ब्राइटनेस कौन ड्रॉप करता है, किसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और स्मूथनेस किसकी अच्छी होने वाली है हैवी टास्क में, क्योंकि यहां पर दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म वाले एंड टू टू हैं तो यहां पर स्कोर हम कंपेयर नहीं कर रहे। तो यहां पर फर्स्ट टेस्ट के अंदर स्कोर दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइम पर आया और टेम्परेचर में भी पता इतना डिफरेंस नहीं रहा, मतलब सैमसंग पहले उबल जाता था लेकिन इस बार सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही ज्यादा था जो कि ना के बराबर है। और फिर क्या है, इसके बाद तुरंत हमने फिर से एंटूटू रन करा दिया और यहां पर भाई स्टार्टिंग में हमने देखने के लिए मिला कि आईफोन ने इस बार मेजर ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली और सैमसंग ने भाई काफी अच्छे से ब्राइटनेस कंट्रोल करके रखी थी और एप्पल ने ब्राइटनेस इसलिए ड्रॉप करी ताकि टेम्परेचर को अच्छे से मेंटेन रख सके। और यहां पर एंड होते होते फिर से जो स्कोर है दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइम पर आया एंड यहाँ पर देखने के लिए मिला कि जैसे एप्पल ने ब्राइटनेस मेजरली ड्रॉप करी थी उसी तरीके से इसका टेम्परेचर भी 1.5-2 डिग्री सेल्सियस कम था सैमसंग से। बट सैमसंग का लास्ट टाइम टेम्परेचर हमने देखा था S22 अल्ट्रा का, S21 अल्ट्रा का भाई 50-48 आराम से टच करता था, इस बार 45.3 डिग्री सेल्सियस गया लास्ट और एप्पल के कंपेरिजन में इतने टेम्परेचर इसने राइज भी नहीं किया है। तो यहाँ पर ऑल ओवर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ एंड टू टू परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ हीट कंट्रोल और ब्राइटनेस ड्रॉप, एप्पल को बीट कर दिया इस बार सैमसंग ने कंप्लीटली। तो मेरे को ये जानना था भाई इतने पैसों में किसका जीपीयू अच्छा है और सैमसंग जैसे कि बोल रहा है हमने इस बार भाई गेमिंग पे काफी तगड़ा काम करा है तो हमने स्ट्रेस टेस्ट रन करा दिया 20 मिनट का, वो भी पहले दोनों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा भी कर लिया था और सेम टाइम पर स्टार्ट करा। और भाई एप्पल हर बार की तरह ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है वो भी खतरनाक वाली और यहां पर इस बार स्मूथनेस प्रोसेसिंग के टाइम पर लगभग मेरे को सेम ही मिली थी और एंड होते होते स्कोर भी दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइम पर आया। अब दोनों ने ब्राइटनेस ड्रॉप करी थी लेकिन एप्पल ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्राइटनेस ड्रॉप करी थी और यहां पर देखने के लिए मिला कि स्टेबिलिटी में सिर्फ 4% का डिफरेंस था जहां पर सैमसंग 50% स्टेबल था, एप्पल था 54% स्टेबल। और इतने डिफरेंस तो अगर मैं सेम आईफोन को भी कंपेयर कर दूं ना उनके अंदर में मिल जाएगा। बाकी यहां पर एफपीएस में भी ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला। तो हीटिंग की बात करें तो हीटिंग में दोनों में सिर्फ 2 डिग्री का फर्क था, मतलब सैमसंग 46 डिग्री था, एप्पल था 44 डिग्री। इसके अलावा भाई मैंने जितना देखा ना लास्ट जनरेशन कंपैरिजन में सैमसंग ने मेजर इंप्रूवमेंट करी है इस मामले में, मतलब पहले क्या था कि 10 FPS के आसपास का डिफरेंस मिल जाता था लेकिन इस बार तो ना के बराबर है 1-2 FPS का। अब ये तो बात हो गई भैया ऑन पेपर की, अब हमने ना गेमिंग भी करी है दोनों के अंदर इसीलिए वीडियो लेट आ रही है। अब सबसे पहले जिनसिन इंपैक्ट खेलना तो बनता था, इतने महंगे फोन है दोनों के अंदर हमने खेला और यहां पर एप्पल के पास एडवांटेज ये 120 FPS का इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है, सैमसंग के अंदर लास्ट 60 FPS का लास्ट ऑप्शन मिलता है जिनसिन इंपैक्ट में, तो एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन भाई जिनसिन इंपैक्ट के लिए थोड़ी बेटर है। दूसरा, जब आप सैमसंग के अंदर खेलोगे तो डेफिनेटली एंड्रॉइड फोन के हिसाब से इसके अंदर बहुत अच्छी स्मूथनेस मिलती है। इवन यहां पर हल्के फुल्के जो फ्रेम ड्रॉप्स हैं ये भाई गेम की ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है जो कि हर फोन के अंदर जिनसिन इंपैक्ट में देखने के लिए मिलती है, तो यहां पर जिनसिन इंपैक्ट को काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है और कोई मेजर हीटिंग इश्यूज नहीं है। वहीं पर एप्पल की बात करें, जब आप सैमसंग से एप्पल पे स्विच करोगे तो यहां पर 60 FPS में प्ले करोगे उसके बाद भी स्मूथनेस ज्यादा अच्छी लगती है। अब ऐसे नहीं है भाई सैमसंग के अंदर फ्रेम ड्रॉप मिले थे, बस ये है कि यहां पर जो ऑप्टिमाइजेशन है एप्पल की इस गेम के साथ वो नेक्स्ट लेवल है। और ऐसे नहीं यहीं पर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, अगर आप कोई दूसरा गेम भी प्ले करोगे ना लाइक सैमसंग के अंदर प्ले कर रहे हो आपको मस्त स्मूथनेस मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है ना ही हीटिंग इशूज है, लेकिन जैसे आप सैमसंग से एप्पल पर स्विच कर जाओगे ना गेम प्ले करने में सेम में तो यहां पर आपको पता लगेगा कि स्मूथनेस सैमसंग से बेहतर एप्पल प्रोवाइड करा रहा है और जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन यहां पर हर एक गेम की ऑप्टिमाइजेशन एप्पल के अंदर ज्यादा तगड़ी है। बट ये बात माननी पड़ेगी जितना पहले डिफरेंस हुआ करता था उतना नहीं है और सैमसंग भाई डेफिनेटली एंड्रॉइड फोन के अंदर बहुत तगड़ी गेमिंग प्रोवाइड करा रहा है, वन ऑफ द बेस्ट है गेमिंग के लिए भी इस बार। अब अगर आप ज्यादा गेम प्ले नहीं करते और आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या मजे के लिए वीडियो बनाते हो और उसे फोन में एडिट करते हो तो भाई यहां पर हमने रेंडरिंग करके देखे दोनों में सेम फाइल
डिटेल डाली, सेम टाइम पर स्टार्ट करा और यहाँ पर एप्पल की जो रेंडरिंग स्पीड है वो स्लाइटली बेटर है अभी भी, और ये जो डिफरेंस है ना वो बढ़ता चला जाएगा जैसे ही आप लेयर पे लेयर ऐड करोगे। हमने जनरली देखा है ज्यादा डिफरेंस जब पता लगता है जब एक के ऊपर एक लेयर पुट हो जाए उसके बाद, और मेरे को डेफिनेटली पता है इस डिफरेंस को देखने के बाद कि एप्पल के अंदर जो रेंडरिंग स्पीड है वो अभी भी ज्यादा तगड़ी है, तो अभी भी एप्पल स्टिल किंग है इस चीज में। तो इन शॉर्ट अगर आप गेमिंग और एडिटिंग ज्यादा नहीं करते तो भाई आप किसी भी फोन को बाय कर सकते हो, परफॉर्मेंस दोनों की इस बार काफी टक्कर की है, लेकिन अगर आपको इन दोनों से ही मतलब है तो डेफिनेटली एप्पल है उसके लिए। लेकिन एप्पल के अंदर अभी भी एक चीज काफी कमजोर मिलती है, वो है इसकी डिस्प्ले। भाई अभी भी यहाँ पर आई से पंच होल दिया गया है। अब इसके अंदर ना ये जो डायनेमिक आइलैंड है इसमें ऐप की इंटीग्रेशन बहुत बेहतर की गई है, यहाँ पर मल्टीपल एप्स को आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप म्यूजिक सुन रहे हो तो यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, ऊबर को अगर आपने बुक करा तो यहाँ से पूरा ट्रैक कर सकते हो कि वो कितनी डिस्टेंस पे है आपसे, तो यहाँ पर भाई इसकी इंटीग्रेशन बेहतर है। लेकिन जो ये छोटा पंच होल है ना इसके कंपेरिजन में ज्यादा अच्छा लगता है, तो सैमसंग इस चीज में एज ले जाता है। और दूसरा सैमसंग के पास थोड़ा सा जो कर्व दिया है ना ज्यादा प्रीमियम फील होता है, बाकी चिन का साइज तो भाई हर बार की तरह एप्पल के पास कम मिलता है। और यहाँ पर डिस्प्ले पे चले सीधा तो प्रोटेक्शन तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको वही मिलती है दोनों के अंदर जो लास्ट टाइम मिलती थी। एप्पल के अंदर सुपर रेटिना एक्सडीआर ओलेड पैनल है, क्लोज टू 2K डिस्प्ले है ये वाली, फुल 2K नहीं है, और वहीं पर सैमसंग के पास 2K पैनल है, इसके पास है डायनेमिक एमोलेड 2X पैनल और दोनों ही LTPO पैनल है। अगर आप इन्हें यूज नहीं कर रहे, कोई फोटो देख रहे हो तो 1Hz पे स्विच हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई एप्लीकेशन में स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन कर रहे हो तो वहां पर 120Hz में दोनों ही परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर अगर ऑन पेपर देखो तो सैमसंग की डिस्प्ले के पास पिक्सल पर इंच डेंसिटी ज्यादा अच्छी है, लेकिन जितना हमने दोनों को यूज करा भाई डे टू डे यूजेज में हमें शार्पनेस में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नोट नहीं हुआ, इवन जब आप HDR में कंटेंट स्ट्रीम करोगे दोनों के अंदर ही, तो यहाँ पर 90% टाइम दोनों की डिस्प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर ही कलर शो करती है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आता है सिर्फ पीक ब्राइटनेस में, जब HDR में कंटेंट देखते हो तो एप्पल के पास 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस होने की वजह से इसकी डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, वहीं पर सैमसंग के पास 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। लेकिन अगर आप नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम करते तो वहां पर सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा विविड कलर शो करती है, जो पर्सनली मुझे अच्छे लगे। और ऐसे नहीं कि एप्पल के पास जो पीक ब्राइटनेस की एडवांटेज सिर्फ HDR कंटेंट में है, जब आप आउटडोर दोनों को ले जाओगे तो वहां पर भी भाई एप्पल की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट परफॉर्म करती है। इसके अलावा भाई दोनों के अंदर स्टूडियो स्पीकर्स हैं, और सैमसंग ने भाई लास्ट जनरेशन कंपैरिजन में जो स्पीकर्स है उसमें एक बहुत बड़ा अपग्रेड किया है, ये काफी लाउड और रिच है। लेकिन अभी भी यहां पर जब हमने दोनों को कंपेयर करा ना उस टाइम पर देखा कि भाई एप्पल के स्पीकर स्टिल अभी स्मार्टफोन में सबसे टॉप पर हैं, यहां तक कि अगर गेमिंग कर रहे हो एडिटिंग कर रहे हो ना मेरे को नहीं लगता कोई दूसरे स्पीकर इसके फोन को बीट कर सकते हैं। इसकी जो डिटेलिंग है ना साउंड की वो बहुत ज्यादा अच्छी है और लाउड भी बहुत है। इसके अलावा एक और चीज में जहां पर एप्पल एडवांटेज ले जाता है, चाहे आप मुझे बायस बोल दो, वो है इसके हैप्टिक्स। एक तो ये बहुत ज्यादा सॉलिड है और वेरिएशन भी भाई बहुत खतरनाक मिलती है। वहीं पर सैमसंग में ना S22 अल्ट्रा के टाइम से हैप्टिक बेकार कर दिए। एक तो इसकी वाइब्रेशन मोटर का पता ही नहीं लगता, कॉल आ रही है मैसेज आ रहा है, मेरे से काफी बार भाई काफी कॉल मिस हुई है इस फोन के अंदर। बाकी हैप्टिक इंटीग्रेशन भी उतनी अच्छी नहीं है जितना कि OnePlus दे देता है, एप्पल दे रहा है। लेकिन एक चीज सैमसंग के अंदर अच्छी है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि ज्यादा यूजफुल और ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है फेस आईडी से, मतलब मास्क लगाया ना जब तो खुलेगा नहीं, हालांकि है बहुत फास्ट ये भी। अब फाइनली बात करते हैं उस चीज की जिसका कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड हाँ वही है कैमरा की बात करने वाले हम। तो सैमसंग ने इस बार बड़ा क्लेम ये करा, इन्होंने चीख चीख कर बोला कि हमने वीडियो क्वालिटी काफी इंप्रूव कर दी है, यहाँ तक कि अपने भाई ये लॉन्च इवेंट के अंदर डायरेक्टर्स तक को पकड़ के ले आए थे कि बताओ हमारी क्वालिटी कितनी इंप्रूव है। अब यहाँ पर आईफोन के अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है विद सेंसर शिफ्ट, और सैमसंग के अंदर है भाई 200 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर विद OIS। और यहाँ पर हमने दोनों में ना 4K वीडियो रिकॉर्ड करी और देखा कलर्स में काफी डिफरेंस है, आईफोन में वार्म टोन मिलता है, सैमसंग में काफी कूल टोन दिया गया है, और लास्ट जनरेशन कंपेरिजन में डेफिनेटली सैमसंग ने यहाँ पर वीडियो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करी है। लेकिन अगर आप स्किन टेक्सचर देखो या बैकग्राउंड में देखो तो काफी अच्छे से लाइट कंट्रोल और टेक्सचर देखने के लिए मिलता है भाई आईफोन के अंदर। सैमसंग क्लोज है लेकिन अभी भी आईफोन इस चीज में सुपीरियर बन जाता है। बाकी दोनों की स्टेबलाइजेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगी नॉर्मल वॉक के टाइम पर, और अपोजिट लाइट देखने के लिए मिलता है, आईफोन काफी अच्छे से हाईलाइट करके रखता है सब्जेक्ट को और बैकग्राउंड को भी, लेकिन सैमसंग गोरा करने पर फोकस रखता है जिसकी वजह से सब्जेक्ट ना काफी ज्यादा डल लगता है और इसके अंदर डिटेल की भी काफी कमी लगी। और एक रीजन और है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाई आईफोन को बाय करते हैं, मैंने ये वाली वीडियोज ना अपलोड करी थी अपने इंस्टाग्राम पर, सैमसंग की वीडियो जो हमने रिकॉर्ड करी थी वो सैमसंग से अपलोड करी थी इंस्टाग्राम स्टोरी में और आईफोन की आईफोन से, और यहां पर देखने के लिए मिला सैमसंग की वीडियो में काफी पिक्सेलेशन आ गया था, लेकिन आईफोन की ऑप्टिमाइजेशन इतनी तगड़ी है सोशल मीडिया एप्स के साथ कि यहां पर काफी हाई रेज में वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। तो अगर आपको हाई रेज वीडियो अपलोड करनी है अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया एप्स पर तो डेफिनेटली अभी भी आईफोन है इस चीज में। बाकी यहां पर भागते टाइम जो स्टेबलाइजेशन है वहां पर आईफोन का सेंसर शिफ्ट थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, सैमसंग भी स्टेबल है लेकिन सैमसंग में आप देखो साइड साइड में थोड़ी सी जिटरिंग मिल जाती है।
है। जबकि जब आप दोनों के अंदर लाइव देखोगे ना हाथ शेक करके कि भाई वीडियो किसके अंदर स्टेबल है, तो आपको लगेगा सैमसंग के अंदर ज्यादा स्टेबल वीडियो, लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद आईफोन सारे जो ऐसे हिले पार्ट है उन्हें खत्म करके स्टेबल वीडियो देता है। बाकी दोनों में पोर्ट्रेट वीडियो मोड दिया है, और जैसे मैं हर बार बोलता हूं भाई सैमसंग का पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर एज डिटेक्शन अच्छा है, लेकिन जो स्किन टेक्सचर है और स्किन पर लाइट है ऑल ओवर, वो भाई आईफोन के अंदर अच्छी है, और यहां तक कि कलर्स भी पोर्ट्रेट वीडियो मोड में आईफोन ज्यादा अच्छे शो करता है। अब यहाँ पर अल्ट्रा वाइड से भी हमने वीडियो रिकॉर्ड करी, ऐसे नहीं है सिर्फ मेन से ही करी है। एंड यहाँ पर क्लियर विनर बताऊं तो यहाँ पर सैमसंग में ना थोड़ा सा रेड टोन मिल जाता है, आईफोन के अंदर काफी अच्छे से मेंटेन है कलर, यहाँ तक कि हाईलाइट और शेडो भी बहुत अच्छे से, और डिटेलिंग भी आप ऊपर की तरफ देख सकते हो लिप्स पर कितनी अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो नो डाउट भाई अभी भी आईफोन की वीडियो रिकॉर्डिंग है अच्छी देखने के लिए मिल रही है, एंड सैमसंग ने काफी इंप्रूवमेंट करी है। अब दोनों के अंदर स्टेबलाइजेशन मोड दिया गया है, सैमसंग के अंदर सुपर स्टेरी मोड है और आईफोन के अंदर है आपका एक्शन मोड, जिसे इनेबल करते अल्ट्रा वाइड पर स्विच हो जाते हैं, चाहे तो आप 1x पर भी ले सकते हो वीडियो, लेकिन हमने यहाँ पर अल्ट्रा वाइड पे भागते वीडियो रिकॉर्ड करी। तो यहाँ पर देखने के लिए मिला आईफोन यहाँ पर भी ज्यादा स्टेबल है और बैकग्राउंड को ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करके रखता है। और नाइट में वीडियो रिकॉर्ड करी हमने, यहाँ पर देखने के लिए मिलता भाई सैमसंग में एक तो ग्रेन्स काफी और सब्जेक्ट अच्छे से हाईलाइट नहीं है, ना ही डिटेल्स अच्छी है, और आईफोन के अंदर डिटेल्स भी अच्छी है, जो नॉइस है वो भी ना के बराबर है मेन कैमरे की। अल्ट्रा वाइड में तो दोनों में इक्वली नॉइस है, लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर अगर आप बैकग्राउंड की लाइट कंट्रोल देखो, स्किन टेक्सचर देखो, तो वहां पर आईफोन बेटर निकल कर आता है वीडियो में। तो अभी भी चाहे सोशल मीडिया एप्स की बात हो चाहे वीडियो क्वालिटी की बात हो, वहां पर आईफोन की वीडियो क्वालिटी अभी भी बहुत ऊपर है। अब यहां पर बात आती है इतने बड़े कैमरा सेंसर है, भाई कौन फोटो अच्छी लेता है, लाइक एक में 200 मेगापिक्सल का, एक में 48 मेगापिक्सल का, तो उसकी बात करते हैं। तो यहां पर जब आप क्लोज 6 छोटे सब्जेक्ट की फोटो क्लिक करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा दोनों ही नेचुरल बैकग्राउंड बुके काफी अच्छा शो करते हैं, लेकिन सैमसंग में ज्यादा बड़ा कैमरा सेंसर है जिसकी वजह से सब्जेक्ट है वो भी साइड साइड से ब्लर हो जाता है, आईफोन काफी अच्छे से सेपरेट करके रखता है। तो इस चीज का भी निवारण है, दोनों में मैक्रो मोड दिया है, और मैक्रो मोड लगाते ही भाई सैमसंग नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करता है। एक तो कलर काफी सिनेमैटिक मिलते हैं, काफी वाइब्रेंट मिलते हैं, और दूसरा जो बैकग्राउंड बुक है वो भी अच्छा मिलता है। तो ऑल ओवर भाई जो फोटो क्वालिटी है वो सैमसंग के मैक्रो मोड की नेक्स्ट लेवल है। अब यहाँ पर जब आप किसी फोटो को क्लिक करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा शेडोज को अच्छे से हाईलाइट करके रखता है भाई सैमसंग, आईफोन का HDR यहाँ पर ट्रिगर नहीं होता है। एंड यहाँ पर कलर्स में भी डिफरेंस है, कलर्स भाई सैमसंग के ज्यादा वाइब्रेंट है जैसे हमने बताया था, और ज्यादा अच्छे लगते हैं, और दोनों के अंदर ही हाई रेज कैमरा सेंसर है, तो आप हाई रेज में फोटो क्लिक कर सकते हो। सैमसंग के अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो 50 मेगापिक्सल, एक 200 मेगापिक्सल। तो हमने 200 मेगापिक्सल की फोटो क्लिक करी और आईफोन में 48 मेगापिक्सल, एंड जब जूम करा तो यहाँ पर हमें ज्यादा डिफरेंस डिटेल्स में नहीं मिला, बस फर्क था तो ज्यादा कलर्स के अंदर था, दैट्स इट। बस एक डिफरेंस हमें सैमसंग में लगा, 200 मेगापिक्सल से जब आप फोटो क्लिक करते हो ना, ये प्रोसेस होने में काफी टाइम ले लेता है। अब यहाँ पर जब आप अपोजिट लाइट फोटो क्लिक करोगे तो एप्पल की वही पुरानी दिक्कत, ये स्काई को ब्लोन आउट कर देता है, सैमसंग बहुत अच्छे से मैनेज करके रखता है, और ये चीज हमें बार बार देखने के लिए मिली है। शाम के टाइम में तो भाई पागल ही हो जाता है आईफोन, और दूसरा जो आईफोन के कलर्स है ना शाम के टाइम में, वो नेचुरल्स भी नहीं रहते, ना ही वाइब्रेंट रहते, वो डल हो जाते हैं। हालांकि इसमें आपको मल्टीपल फिल्टर्स मिलते हैं जिन्हें आप लगा सकते हो, बट फिर भी नॉर्मल पर्सन ज्यादातर भाई स्टैंडर्ड में ही फोटो क्लिक करते हैं और यहाँ पर डल कलर्स मिलते हैं। वहीं पर सैमसंग के अंदर वाइब्रेंट कलर है, और देख रहे हो भाई नीचे की तरफ जो सन रिफ्लेक्शन है वो कितना प्यारा लग रहा है इस फोटो के अंदर। हालांकि डिटेल्स के मामले में दोनों सेम है, और शाम के टाइम पे जब फोटो क्लिक करते हो ना, स्किन टोन भाई एप्पल का थोड़ा सा बेटर हो जाता है। सैमसंग में सैचुरेशन की वजह से ना कहीं कहीं से ज्यादा ब्राइट लगता है स्किन, कहीं कहीं से थोड़ी सी रेडिश हो जाती है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ वाली चीज है। तो शाम के टाइम में एप्पल ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन 1x पे दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, फर्क सिर्फ टोन में आता है, जो कि टोटली आप पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, जब सनरेज आप पर पड़ रही हो सैमसंग से फोटो क्लिक करोगे तो लाल बना देता है हेल बॉय की तरह, वहीं पर आईफोन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है स्किन टोन को। बाकी अपोजिट लाइट भाई आईफोन स्लाइटली बेटर लगा मुझे 1x में, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, और ये मल्टीपल टाइम्स हमें देखने के लिए मिला। नॉर्मल लाइट कंडीशन के अंदर दोनों सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं। अब यहां पर शाम की बात करें तो शाम के टाइम में दोनों ही जो स्ट्रीट लाइट होते हैं उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन यहां पर आईफोन की फोटो ज्यादा ब्राइट देखने के लिए मिली है ज्यादातर सिचुएशन के अंदर। अब यहां पर जब आप किसी लाइट सोर्स की पास जाके फोटो क्लिक करते हो तो उस टाइम पर देखा है हमने भाई आईफोन के अंदर काफी फ्लेयर्स देखने के लिए मिलते हैं, और ये बार बार देखने के लिए मिलते हैं, यहां तक कि वीडियो के अंदर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सैमसंग में वहीं पर इस चीज को काफी अच्छे से कट कर दिया जाता है। बाकी नाइट मोड के अंदर क्लियर विनर बता दूं, ज्यादा लंबी ना खींचो वीडियो, तो भाई सैमसंग है। एक तो डिटेल ज्यादा अच्छी मिलती है, यहाँ पर ज्यादा ब्राइट फोटो मिलती है, और दूसरा जब आप ह्यूमन की फोटो क्लिक करोगे, मतलब हमारी क्लिक हुई है, तो ये भी ज्यादा अच्छी लगती है। आईफोन में तो ऐसा लगता है पुराने किसी फोन से फोटो क्लिक करके अपलोड कर दियो। अब दोनों के अंदर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और यहाँ पर जितनी फोटो क्लिक करी भाई डिटेलिंग के मामले में दोनों सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पर जो शेडोज है उसे अच्छे से हाईलाइट करता है आपका सैमसंग। फील्ड ऑफ व्यू में भी सैमसंग के पास थोड़ी सी ज्यादा एडवांटेज है, बाकी यहाँ पर स्काई को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, और ऑल ओवर जो फोटो क्वालिटी है वो सैमसंग के अल्ट्रा वाइड की नेक्स्ट लेवल मिलती है। इसके अलावा दोनों के अंदर ही नाइट मोड मिल जाता है, और यहाँ पर भी सैमसंग अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी दोनों के अंदर भाई ऐसे जूम करने वाला टेलीफोटो कैमरा सेंसर भी है। आईफोन के अंदर मिलता है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा सेंसर, और सैमसंग
सैमसंग के अंदर 10 मेगापिक्सल का। यहां पर हमने 3x में ही फोटो क्लिक करी टेलीफोटो से और लाइट कंट्रोल HDR देख सकते हो सैमसंग का कितना अच्छा है। लेकिन जब आप किसी बिल्डिंग की या किसी स्टैचू की फोटो क्लिक करते हो तो वहां पर डिटेलिंग ना आईफोन के अंदर नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलती है। यहां तक कि जो फोकस है इसका थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिलता है। और अगर आपको नेचुरल कलर पसंद है ना पोर्ट्रेट मोड के अंदर तो डेफिनेटली आपको आईफोन पसंद आने वाला है। वहीं पर अगर आपको थोड़ा सा सिनेमेटिक लुक चाहिए, वाइब्रेंट कलर चाहिए तो डेफिनेटली यहां पर आपको सैमसंग सही लगेगा। बाकी एज डिटेक्शन भाई 3x टेलीफोटो में ना भाई सैमसंग का नेक्स्ट लेवल है। और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर सैमसंग का स्किन टोन फिर से लाल हो जाता है, आईफोन काफी अच्छे से मैनेज करके रखता है। एंड ज्यादातर कंडीशन के अंदर ना जब आप नॉर्मल लाइट में फोटो क्लिक करोगे वहां पर सैमसंग ही अच्छा परफॉर्म करता है, सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। और कहीं कहीं पर आईफोन बेटर लगता है टेलीफोटो में, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में भाई सैमसंग आगे निकल जाता है। अब लेकिन बात यहीं तक नहीं थमती है भाई, सैमसंग के पास 100x पेरिस्कोप कैमरा सेंसर भी है जो कि 10 मेगापिक्सल का है। इससे आप चांद तारों की फोटो क्लिक कर सकते हो, मस्त आती है। लेकिन न्यू अपडेट के बाद हमने देखा कि इसमें ना उतनी अच्छी डिटेलिंग नहीं मिल रही थी चांद की, तो ये वाली एक दिक्कत है। बाकी अभी फिर से एक अपडेट आने वाली है इसके अंदर, उसके बाद देखते हैं चीज फिक्स होती है नहीं। लेकिन एप्पल के पास एक एडवांटेज है, 48 मेगापिक्सल को यूज करके ना आप इससे 2x में फोटो क्लिक कर सकते हो, अच्छी डिटेल के साथ मिलती है। यहां तक कि पोर्ट्रेट मोड भी 2x में क्लिक कर सकते हो आप इसके साथ। तो यहां पर दोनों के पास अपनी अपनी एडवांटेज है। तो ये बात हो गई है बैक कैमरास की, अब चलते सीधा फ्रंट कैमरे पे। और ये है दोनों फोन के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी, और दोनों ही 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर सैमसंग की डिस्प्ले मेरे को देखने के लिए मिल रहा है, व्हाइट कलर को इसने ब्लू करने की कोशिश करी है। बाय द वे अभी मैं अपोजिट सनलाइट हूँ और यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि जो स्काई है उसको सैमसंग स्लाइटली बेटर कंट्रोल कर रहा है। बाकी यहाँ पर टी शर्ट का कलर तो मुझे आईफोन के अंदर अच्छा लग रहा है अभी डिस्प्ले के अंदर। अब अपोजिट लाइट होकर देखते हैं और देखते फेस पर लाइट कौन अच्छे से कंट्रोल करेगा। एंड हियर वी गो। तो यहाँ पर आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको किसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है और आप किससे व्लॉग बनाना पसंद करेंगे। तो डेफिनेटली बैक कैमरे की तरफ फ्रंट कैमरे में भी जो भाई कलर्स हैं वो वीडियो में भाई आईफोन के ज्यादा अच्छे हैं। सैमसंग में बेसिकली स्किन टोन ऐसा हो जाता है, कहीं से गोरा कहीं से लाल लाल सा, वो बहुत अजीब लगता है। आईफोन वहीं पर इस चीज को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखता है। और वीडियो क्वालिटी के मामले में अगर आपको भाई व्लॉगिंग करनी है ना, अभी भी आईफोन उठा लो आप लोग। बाकी दोनों के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो मोड दिया है और अच्छी बात यह इस बार आप 4K में दोनों में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, भी सिनेमैटिक मोड में। पहले सैमसंग ने दिया था तो सैमसंग ने अब ऐड कर दिया इसको। और यहाँ पर सैमसंग का मुझे एज डिटेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी कलर्स तो मुझे भाई भाई आईफोन के ज्यादा अच्छे लगे। और आप बता सकते हैं कि आपको किसकी ऑल ओवर वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है सिनेमैटिक मोड में। बाकी लो लाइट में भी हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है और यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ग्रेन्स तो दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पर स्किन टोन देखो काफी अच्छे से लाइट देखने के लिए मिलती है आईफोन के अंदर। मतलब सैमसंग में ना क्या है, जैसे कि डे लाइट में देखने के लिए मिल रहा था और इसके अंदर कुछ ज्यादा ही ग्रेन्स है, तो ऐसा लगता है जैसे मक्खियां छोड़ दी हो। अब यहाँ पर फोटोज की बात करें तो सैमसंग भाई फ्रंट कैमरे में जैसे कि विजेता था लास्ट टाइम, तो अभी भी वही देखने के लिए मिलता है। ज्यादातर कंडीशन में मेरे को सैमसंग का फ्रंट कैमरा ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में दोनों सिमिलर भी लगते हैं। और जैसे कि सैमसंग के लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम थी ना फ्रंट कैमरे में कि कभी कभी ना एज डिटेक्ट नहीं करता था, जब इसे लगता था गंदा एज डिटेक्शन लेगा उस टाइम पर छोड़ देता है, तो वही चीज यहाँ देखने के लिए मिली। लेकिन ऑल ओवर फोटो क्वालिटी की बात करूं फ्रंट कैमरे में तो सैमसंग भाई अनबीटेबल है। यहाँ पर जब पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्ट करता है ना तो बवाल ही करता है। और लो लाइट के अंदर फोटो क्वालिटी भी सैमसंग की ज्यादा अच्छी, एक तो शार्पनेस अच्छी देखने के लिए मिलती है और दूसरा ग्रेन्स भी कम है। तो यहाँ पर ऑल ओवर फ्रंट कैमरे में तो भाई सैमसंग को पूरे पैसे हैं। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम भाई, जितना हमने दोनों को यूज करा एक चीज क्लियरली कही जा सकती है, अगर आपको फोटो ही क्लिक करनी है तो सैमसंग उठा लो, लेकिन अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो भाई आईफोन उठा लो। इवन अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा फोटो या वीडियो अपलोड करते हो ना अपने फोन से क्लिक हुई या रिकॉर्ड हुई, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आईफोन एज ले जाता है। अब यहाँ पर उस चीज की बात कर लेते हैं जिसमें आईफोन हमेशा से आगे रहा है, वो है बैटरी डिपार्टमेंट। इसके अंदर 4323 mAh की बैटरी मिलती है विद 16.68W फास्ट चार्जिंग, कुछ अजीब ही चल रहे हैं इनके नंबर। लेकिन वहीं पर सैमसंग 5000 mAh की बैटरी नहीं बैटरा दे रहा है विद 45W फास्ट चार्जिंग, और दोनों के अंदर ही 15W की वायरलेस चार्जिंग है। और सैमसंग के अंदर पता है सीन क्या है, आप रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हो 4.5W की, आईफोन के अंदर आपको 7.5W की नॉर्मल वायरलेस चार्जिंग मिलती है। अब यहाँ पर आईफोन के पास जो एक एडवांटेज होती थी इसका बैटरी बैकअप सॉलिड होता था कम एमएच बैटरी के साथ भी, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं है। एक तो इसके पास भाई चार्जिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा डब्बा मिलती है, यहाँ पर सैमसंग तेजी से चार्ज हो जाता है 45W के फास्ट चार्जर से। दूसरा, जैसे कि बैटरी बैकअप में डिफरेंस होता था अब वो भी ना के बराबर रह गया, हार्डली 30 मिनट का SOT आपको एक्स्ट्रा मिलता है आईफोन के पास, वरना ज्यादातर कंडीशन में मेरे को ऑलमोस्ट सेम ही बैटरी बैकअप मिला है। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप में मैं दोनों को सेम बोलूंगा, लेकिन ज्यादा तेजी से चार्ज होने की वजह से सैमसंग को मैं ऊपर रख दूंगा बैटरी में। इसके अलावा दोनों ही फोन 5G है, सारे 5G के बैंड मिलते हैं, इंडोर भी 5G मिल रहा है दोनों फोनों के अंदर, और वाईफाई कनेक्टिविटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ऑल ओवर ओपिनियन दें हम अपनी, तो भैया दोनों में से कहीं भी पैसा लगा दो, इस बार आपका पैसा सही जगह लगेगा दोनों ही फोनों में। लेकिन यहाँ पर अगर आप
ज्यादा गेमिंग करते हो, आप वीडियो अपलोड करते हो और ज्यादा व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करते हो अपने फोन से, तो डेफिनेटली वहां पर आईफोन एज ले जाता है, नहीं तो भाई S23 अल्ट्रा भी हमारा कम नहीं है। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर कर देना, 20,000 लाइक का एम करते हैं। और कमेंट में ये जरूर बताना अगर आपके पास 1,30,000 रुपए हो तो आप दोनों में से कौन सा फोन बाय करोगे। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस वगैरह टू वॉच योर हार्ट फॉर स्टे ट्यून्ड विद एचएफवीएन बॉक्स गाइस, बाय।